हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम इन माय यूट्यूब पेज। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू नो अबाउट कंटिन्यूटी एज वेल एज मेजरिंग टेस्टिंग ऑफ वायर। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन मेगर मशीन, दिस वन लीड। यह एक कॉमन वायर है जो कॉमन में लगेगा। दिस वन फॉर जब हमको कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो ये ओम में जाके इन होगा। ओके, उसके बाद नेवर को हम लोग 0 ओम पर ले जाके ऑन करेंगे। ठीक है, 0 ओम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो 0 ओम पर ले जाइएगा। चलिए अब हम देखते हैं हमारा जो रिंग सर्किट है वो, ये जो हमारा रिंग सर्किट है, ओके, पावर का रिंग सर्किट है। ये कॉमन लीड है। कॉमन लीड अगर आप ब्लू में अटैच कर रहे हैं तो रिंग सर्किट का ये ब्लू में ही इसको चेक करेंगे। ठीक है, ये लीड का चेक करने का बटन है। सो अब हम इसको चेक करेंगे। बाईस सौ पे इसको चेक करेंगे। अगर ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा तो आपका कंटिन्यूटी ओके है। ओके, 0 पॉइंट समथिंग आएगा आपका कंटिन्यूटी ओके है। ओके, नेक्स्ट केबल, अर्थ केबल। कॉमन लीड को अर्थ पे कनेक्ट करके उसके बाद जो रिंग आया है उसमें 2200 पे इसको चेक करेंगे। ये भी देखिए, ये 0.45 है, यानी कि ये रिंग सर्किट ओके है। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रल। चेक ये भी 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अगर ये लाइट बंद हो जाती है तो इसको ऑन करेंगे। ये बटन जो है ऑन कर दिया हुआ है, सिर्फ लाइट ऑन हो जाएगी इससे। इसके बाद देखें 2200 पे ये 0.30 समथिंग के आसपास आ रहा है। दिस वन इज ओके, यानी कि ये रिंग सर्किट हमारा ओके है। अब अगला रिंग सर्किट की ओर चलते हैं। ये एंड ये दो वायर भी हमारा रिंग सर्किट है। इसको सेम उसी तरह चेक करेंगे। हमारा दूसरा रिंग सर्किट है, अब इसको हम चेक करते हैं। पहले न्यूट्रल को चेक करते हैं। न्यूट्रल वायर का रिंग सर्किट, ये दूसरा न्यूट्रल इधर है। ये 0 पॉइंट समथिंग आया, यानी कि हमारा ये रिंग सर्किट ओके है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फेज ब्लू, इसका हम रिंग चेक करते हैं। ये भी ओके है। ओके, 0 पॉइंट समथिंग आया। नेक्स्ट अर्थ, ये अर्थ को हम चेक करते हैं। ये भी रिंग सर्किट ओके है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा केबल में भी, यानी इंसुलेशन कैसे चेक होता है। ये हमारा कॉमन में ही रहेगा और ये जो
लीड है वो इंसुलेशन में आके इन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको हम 500 वोल्ट पे, ये जो है मीटर का बटन, 500 वोल्ट पे करेंगे, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं हमारा ये केबल है जो कि कुकर के लिए सप्लाई जा रहा है यहाँ से, इसका हम इंसुलेशन चेक करेंगे, ठीक है। ये केबल का हम इंसुलेशन चेक करेंगे जो कि सप्लाई जा रहा है कुकर के लिए सर्किट, कॉमन को न्यूट्रल में, और ये हमारा जो बटन है वो इंसुलेशन चेक करने के लिए है। 526 वोल्ट, इसको जैसे ही दबाएंगे 526 वोल्ट डिस्प्ले पर दिखेगा जैसे कि आप देख रहे हैं। उसके बाद हम इसको टच करेंगे इधर ब्लू सर्किट में, अगर हमारा 550 आ रहा है, 550 हमारा केबल का इंसुलेशन ओके है। फिर इसको हम चेक करेंगे अर्थ के लिए, यानी कि इसमें कोई हमारा इंसुलेशन डिफ़ॉल्ट नहीं है, 550 ही है। अब नेक्स्ट कॉमन को हम अर्थ में लगाएंगे, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे 550 आता है कि नहीं। और ये देखिए हमारा डिस्प्ले जो 550 दिखा रहा है। फिर इसको अर्थ के साथ हम करेंगे न्यूट्रल को, 550 हमारा डिस्प्ले दिखा रहा है लेगर मशीन, ओके। यानी कि इस केबल का हमारा इंसुलेशन ओके है। नेक्स्ट केबल ये हमारा दिखा जा रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको एक दूसरे के साथ शॉर्ट करा दीजिए, जब भी मेगरिंग करेगा करिएगा ना, तो इसमें करंट कुछ समय के लिए रहता है जो कि आपको करंट मार सकता है। शॉर्ट एक दूसरे में अटैच करके ज़रूर करा दीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट केबल को हम मेगरिंग करते हैं, ये हमारा जीवी केबल जो एचिंग के लिए जाता है, इसका हम निगरिंग करेंगे। देखिए फिर ऑफ हो गया, लाइट को ऑन करेंगे, ठीक है। कॉमन को न्यूट्रल में अटैच किए, उसके बाद इसको बटन को टेस्ट करके 556 वोल्ट पे चेक करेंगे, वो हमारा डिस्प्ले 550 दिखा रहा है, यानी कि इसके केबल का इंसुलेशन ओके है। नेक्स्ट इसको अर्थ में कॉमन को लगा कर चेक करेंगे, 556, ये देखिए हमारा 550 आ रहा है, यानी केबल का इंसुलेशन ओके है। नेक्स्ट फेज 550, यानी कि केबल का इंसुलेशन हमारा ओके है, ओके। तो आज हम लोगों ने देखा कैसे चेक किया जाता है कंप्लीटली एंड मेगरिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फेरी केबल कैसे मेगरिंग और कंप्लीटली किया जाता है। सो थैंक यू, नीचे दिए गए लाइक शेयर और बेल बटन को दबाना मत भूलें। धन्यवाद।